उनके हाथों तक पहुंचा दो जो दो महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूं उन्हें, उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदी आवाज़ मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। खैर बेटा, आज जो तू जीत का जश्न मना रहे और जीतने के बाद जो तू नाजायज बातन ने मंच पे खड़े होकर निकाल रहे, तेरी इतनी बड़ी ताकत ना है इन बातन ने निकालने के, लेकिन तो लो सहारा मिल रहा। मैं लेकिन कहना चाह रहा हूँ इन लोगों से जो यूपी चुनाव जीतने का जो जश्न मना रहे हैं और वो मस्जिदों के अंदर घुस कर लाउड स्पीकर तोड़ने की और हटाने की जो बातें कर रहे हैं, तू तो क्या तेरा बाप भी हटाकर एक भी लाउड स्पीकर को हटाकर दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगा। तुझे नहीं पता कि मुसलमान जब अपने असली रूप में आ जाएगा, मैं ये कहता हूँ तू गई, तेरा बाप क्या तेरा परदादा मुसलमान के सामने आकर आंखों से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने मुसलमानों से कहना चाह रहा हूँ, अगर इसी तरीके से तुम जिंदगी जीते रहे, खुदा की कसम ऐसा नहीं बल्कि मुसलमानों को घर में घुसा घुसा कर मारा जाएगा। मुझे एक बुजुर्गों की बात याद आ रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। ये हकीकत बात है, अगर आप लोगों ने अपना रास्ता छोड़ रखा है तो ज़रूर ब ज़रूर आप लोगों की बेहयाई, आप लोगों की इज्जत पर इसी तरीके से डांका डलता रहेगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ इन भगवादारी गुंडों से, तुम्हारी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि तुम मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर घुसकर तुम लाउड स्पीकर को हटा सकते हो या फिर मस्जिदों के अंदर दखलंदाजी दे सकते हो, इतनी बड़ी ताकत नहीं है। मैं तो मुसलमानों को बार बार ये कहता हूँ कि अपने असली रूप को इस्तेमाल कर लीजिए। जो मजहब इस्लाम जिस चीज़ को कह रहा है कि पंज वक्त नमाज को पाबंदी से पढ़ें और अपने घर के अंदर पूरी शरीयत की जो चीज़ें हैं, जो शरीयत का जो हुक्म है उनको पूरा कराया जाए, तमाम महिलाओं के लिए इन हुक्मों को पूरा कराया जाए और फिर अपने घर के जो नौजवान हैं सबको पंज वक्त नमाज का पाबंद बनाया जाए, फिर देखिए इन भगवादारी गुंडों की इतनी ताकत नहीं है कि वो जो देश का अंदर भड़काऊ भाषण दे सकें। तो अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो ये लोग ये गलत काम कर रहे हैं, जो देश के अंदर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इन लोगों पर शिकंजा कसा जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये लोग अपनी नापाक हरकतों से बाज आ सकें। देखिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।